वन आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पुंज विद यस्के में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुलित्जर पुरस्कार, जो 2021 में जितने पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं वो सब हम आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में किया गया। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1917 में किया गया था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो से पुलित्जर की याद में दिया जाता है, जो कि समाचार पत्र प्रकाशक सकते हैं। एक जो पुरस्कार है वो दिया जाता है जो से पुलित्जर की याद में, जो कि पुलित्जर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है वह प्रत्येक वर्ष अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है और यहाँ पे टोटल 21 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 21 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें जो 20 श्रेणियाँ हैं वो $15,000 पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख लीजिए यहाँ पे कि जो एक पुरस्कार है पब्लिक सर्विस में दिया जाता है, जो कि स्वर्ण पदक है। पब्लिक सर्विस को जिस श्रेणी में जो पुरस्कार दिया जाता है वह स्वर्ण पदक दिया जाता है, लेकिन जो 20 श्रेणियों में $15,000 पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और वर्ष 2020 में जो पुलित्जर पुरस्कार था उसे 3 लोगों को सम्मानित किया गया था, मुख्तार खान, यासीन डार और चेनी आनंद। इन तीनों को जो है फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया था। मुख्तार खान, यासीन डार और चेनी आनंद, इन तीनों को फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया था। अब हम लोग बारी बारी से 2021 के पुलित्जर पुरस्कार के विजेता का नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है एडिशन कैटेगरी के लिए जो दिया गया था डार्नेला फ्रेजियर को। ये जैन सार्वजनिक श्रेणी के लिए, पब्लिक सर्विस श्रेणी के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। वही थर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफर के लिए एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफी स्टाफ यूएस है। फीचर फोटोग्राफी के लिए एमिलियो मोरेनाटी को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए, फीचर फोटोग्राफी के लिए एमिलियो मोरेनाटी को। और पांचवा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन, एलिसन फिलिंग, क्रिस्टो बुरोक को। मेघा राजगोपालन जो थी वो भारतीय थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं और ये जो चीन में मुस्लिम पे जो अत्याचार हो रहा था इसके बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद एडिटोरियल राइटिंग के लिए रॉबर्ट ग्रीन को दिया गया है। म्यूजिक के लिए तानिया लियोन को और फिक्शन श्रेणी के लिए लुइस एड्रिक को, जो कि उनके उपन्यासकार द नाइट वॉचमैन के लिए दिया गया था। तो जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने बता दिया और अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।